हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल किड्डुल फूड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही ढाबे स्टाइल पनीर मसाला, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बना है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो जैसे हम बिल्कुल ही ढाबे पे खाते हैं ना, बिल्कुल ही वही टेस्ट आने वाला है इसमें। तो आइए हम इसको झटपट से बना के इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पनीर मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है और इसके हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। बहुत बड़े हमें नहीं काटने हैं, बिल्कुल ही हमें इसको मीडियम साइज़ के पीसेस काट के इसको तैयार करना है। तो देखिए, इस तरह से हमें सारे पीसेस जो है वो काट लेने हैं। देखिए, इस तरह से हमें इसके पीसेस काटने हैं और धीरे धीरे काटेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा, इसलिए हम इसको धीरे धीरे इस तरह से काट लेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से हमें इसको काट के तैयार करना है। तो हमने यहाँ पे मसाले में हमने क्या क्या लिए है, तो आइए हम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दही लिया है, हमने यहाँ पे 2 टमाटर की पेस्ट बना ली है और 2 बारीक कटी हुई प्याज ली है और बेसन, घी और गर्म मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक और अदरक लहसुन की पेस्ट और एक बारीक कटी हरी मिर्च और धनिया लिया है और धनिया पाउडर। खड़ा मसाला में हमने यहाँ पे एक सूखी लाल मिर्च ली है और एक तेज़पत्ता और जीरा और चक्रीफूल को हमने इस तरह से तोड़ के लिया है और एक इलायची हमने तोड़ के लिए है और हमने यहाँ पे लौंग लिया है और थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े लिए है। तो अभी हम पनीर ले लेंगे और इस पर हम थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे अच्छे से इसको हम मिला लेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। ये आपको पसंद है तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। तो मैं इस तरह से फ्राई करती हूँ ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए और ये अच्छी बने, तो इसीलिए मैं इस तरह से करती हूँ। आप वैसे भी फ्राई कर सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसको मिला लेना है। देखिए, इस तरह से हमें इसको मिला लेना है। अभी हम कढ़ाई रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। तो हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अभी हम उसमें घी डाल देंगे। तो जब तक हमारा जो घी है वो गर्म होता है, तब तक आप वीडियो के नीचे जाके लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे नई रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर हमारा तेल, तो यहाँ पे हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है। तो अभी हम उसमें पनीर जो है हमारा वो डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप घी की जगह तेल भी यूज़ कर सकते हो, घी डालने से ना इसमें बढ़िया टेस्ट आएगा और ये बिल्कुल ही मस्त बनेगा, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर घी लिया है। आप चाहो तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, ये बिल्कुल ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका हल्का सा कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो देखिए, इस तरह से, तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, अभी भी बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तो यहाँ पे हम दही ले लेंगे और उसमें हम 2 चम्मच जितनी हम उसमें बेसन डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से, और ये हम इसकी एक गाढ़ी पेस्ट तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो बाकी का बेसन था वो भी डाल दिया है, तो सब मिला के 2 चम्मच जितना हुआ ना। तो अभी हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से, तो ये देखिए हमारी पेस्ट जो है वो बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। तो ये भी हम यहाँ पे कढ़ाई रख देंगे और उसमें हम जो हमने खड़े मसाले लिए हैं वो डाल देंगे और इसको हल्का सा हम सेक लेंगे।
देखिए इस तरह से हम इसको हल्का सा सेक लेंगे, तभी तो इसमें ढाबे जैसा टेस्ट आएगा। तो अभी मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। आप यहाँ पे भी घी का इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे तेल लिया है। तो अभी हम इस मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये हमारे मसाले जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें हमारी बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसको मीडियम गैस पे पकने देंगे ताकि जल ना जाए, और हमें इसे जलाना नहीं है, हमें इसको ब्राउन बनाना है। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकने देंगे, देखिए इस तरह से। तो अभी हमारी जो प्याज है वो ब्राउन हो चुकी है। अभी हम उसमें हरी मिर्च और अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, देखिए इस तरह से। तो अभी हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे ताकि हम अभी डालेंगे तो उसमें कच्चापन ना रहे, तो इसीलिए प्याज के साथ हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, देखिए इस तरह से। अभी डालने से इसमें बिल्कुल ही कच्चापन नहीं रहेगा हल्दी में। तो देखिए इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। तो अभी हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे अभी। तो लाल मिर्च मैं यहाँ पे 2 चम्मच जितना डालूँगी, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से या आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला है। तो अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसमें टमाटर की पेस्ट जो हमने बनाई है वो डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, देखिए इस तरह से। तो अभी हम इसके ऊपर, तो अभी हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक हमें ध्यान से डालना है, जब हमने पनीर जो फ्राई किया था तभी भी हमने नमक डाला था। तो अभी हम 1 छोटे चम्मच जितना हमने इसमें नमक डाला है। नमक हमेशा जब हम टमाटर डाल दें उसके बाद ही डालना है ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से पक जाए। तो अभी हम इसको पकाएंगे तब तक जब तक मसाला जो है वो तेल ना छोड़ने लगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको पका लेंगे। तो अभी देखिए हमारे मसाले ने जो है वो तेल छोड़ने लगा है हमारा मसाला, देखिए इस तरह से। तो अभी हम इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाई है बेसन और दही की, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। जो हमने पेस्ट बनाई है उसमें हमने बेसन इसलिए डाला है ताकि जो हमारी जो दही है, ऐसे डाल देते हैं हम दही तो हमारी दही जो है वो फट जाती है, इसीलिए हमें इसमें दही जो हमारी जो फटे ना, तो इसीलिए हम इसमें बेसन डालते हैं ताकि जो हमारी दही जो है वो फटे ना। तो अभी हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे ताकि इसमें अच्छी खुशबू आए, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, देखिए इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। तो अभी हम अच्छे से मिला के इसमें 1.5 कटोरी जितना हम पानी डालेंगे इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे 1.5 कटोरी पानी डाल रही हूँ। अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसे तब तक हम पकाएंगे जब तक इसमें से उबाल ना आना शुरू हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। बाद में हम इसके अंदर गरम मसाला थोड़ा सा डाल के जो हमने पनीर फ्राई किया है वो डाल देंगे। तो देखिए इसमें उबल आ गया है। तो अभी हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और फिर पनीर डाल देंगे, और इसमें कसूरी मेथी जो है वो डाली जाती है, जो कि मैंने इसमें नहीं डाली है ताकि मेरे जो बच्चे हैं उसे कसूरी मेथी पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाली है। तो आप जब पनीर के अंदर कसूरी मेथी डालो तब आप पहले पनीर डाल दीजिए और बाद में कसूरी मेथी डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं
बारीक कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। तो हमें जब कसूरी मेथी डालनी होती है तो ये वो इस टाइम डाली जाती है पनीर डालने के बाद। तो अभी हम इसको 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो अभी 3 मिनट के बाद हम देखेंगे। तो देखिए ग्रेवी जो है हमारी वो बिल्कुल ही अच्छी और कलरफुल बनी है। तो आप देख सकते हो ये कितनी बढ़िया बनी है। तो अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और गैस हम बंद कर देंगे और इसको ऐसे ही 2-3 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे ताकि जो हमारा मसाला और तेल वगैरह जो है वो ऊपर आ जाए और बिल्कुल ही ये कलरफुल बन के तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से हम ढक के रख देंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया है। तो अभी मैं इसमें इसको डाल दूँगी, देखिए इस तरह से। तो देखिए हमारी पनीर मसाला जो है वो बिल्कुल ही बढ़िया ढाबा स्टाइल बन के तैयार हुआ है। तो आप इसे अभी गर्मा गर्म खा सकते हो, रोटी के साथ या पाव के साथ, पूरी के साथ, आपको जैसे पसंद है इस तरह से। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नई रेसिपी की वीडियो